फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चहचहाती चिड़िया, रंग बिरंगी तितलियां, खिलते मुस्कुराते फूल, भला किसको अच्छे नहीं लगते। और हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में भी ये सब आए, हमारे बगीचे में ये सब आए। और ये सब हमारे बगीचे में बहुत आसानी से आ सकते हैं अगर हम अब कुछ सदाबहार फूलों के पौधे अपने घर में लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही सदाबहार फूलों वाले पौधे के बारे में बताऊंगी जिसका की नाम है स्टार क्लस्टर, या फिर हम इसे पेंटास भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर से ये पौधा आता है और लगाने में बहुत ही आसान है। और अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो आप एक तरीके का ओपन इनविटेशन दे रहे हैं हमिंग बर्ड्स को, बटरफ्लाई को, क्योंकि ये पौधा बहुत ज्यादा नेक्टर रिच होता है। बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत रंगों के इसके फूल होते हैं, जैसे कि लाल, सफेद, बैंगनी, गुलाबी। और आज के इस वीडियो में मैं इसी सुंदर फूलों वाले पौधे के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि इसकी सॉइल, वाटर, प्रोपोगेशन, सनलाइट रिक्वायरमेंट, और आप अपने सेंटास के पौधे से ज्यादा फूल किस तरीके से ले सकते हैं के बारे में बताऊंगी। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। स्टार क्लस्टर वैसे फुल सनलाइट के पौधे हैं, करीबन 6 से 8 घंटे की धूप आप इन्हें देंगे तो ये बहुत अच्छे से खिलेंगे। लेकिन आप इन्हें पार्शियल शॉट में करीबन 4 घंटे की धूप भी देते हैं तो भी ये पौधे अच्छे से थ्राइव करते हैं। मैंने अपने बगीचे में ये पौधे काफी समय से लगा रखे हैं, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा धूप नहीं आती, पर फिर भी आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग इनमें कितनी अच्छी हो रखी है। करीबन 8 से 10 महीने तक इस पौधे में फूल आते हैं, और जिस तरह से मैंने बोला था कि बटरफ्लाई इसमें बहुत आती हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई आई हुई है और नेक्टर ले रही है इस पौधे से। अगर स्टार क्लस्टर की सॉइल मिक्सचर की हम बात करें तो सॉइल मिक्सचर इसका बहुत नॉर्मल सा बनता है, 50% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट या काउडंग मैन्योर, और इसके अलावा 20% रिवर सैंड, जो कि सॉइल को वेल ड्रेन्ड बनाता है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा नीम खली इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टार क्लस्टर के फ्लावर को खिलने के लिए थोड़ी सी एसिडिक सॉइल की जरूरत होती है और सॉइल का पीएच करीबन 6 के बराबर होना चाहिए। वाटरिंग की अगर हम बात करें तो स्टार क्लस्टर को मॉइस्चर पसंद है, तो इसकी मिट्टी बहुत ज्यादा सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो ये पौधा विल्ट हो जाएगा, मुरझा जाएगा। पर जब भी आप पानी दें तो पानी इतना दीजिएगा कि वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, और पानी आप तभी दें जब मिट्टी की टॉप लेयर सूख जाए। इस पौधे में पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप इसे कम पानी देंगे तो ये मुरझा सकता है, और अगर पानी ओवर वाटरिंग हो जाएगी, ज्यादा पानी हो जाएगा, तो पौधे में फंगस लग के रूट रॉट हो सकता है और आपका पौधा मर सकता है। फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो करीबन 10 इंच के गमले में 2 महीने में एक बार मैं इसे काउडंग मैन्योर से फर्टिलाइज करती हूँ, तो मेरे पेंटास के फूलों में बहुत अच्छे फूल आते हैं। वैसे ये पौधा बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, तो अगर आप फर्टिलाइज नहीं भी कभी कर पाते तो भी इसमें फूल अच्छे से ही आते हैं। प्रूनिंग पौधों में बहुत सुंदर और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर हम अपने पौधे में से जो डेड लीव्स हैं उनको हटा देते हैं और एक अच्छी सी शेप दे देते हैं तो हमारा पौधा बहुत नीट और हेल्दी भी लगता है और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होता है। ये देखिए, बरसात का सीजन है, अभी इसमें नीचे पत्तियां खराब हो गई है तो मैं इन पत्तियों को हटा दूंगी। जितनी भी खराब और डेड लीव्स हैं आप उन्हें नीचे से हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी अननेसेसरी लेती रहती है। बरसात के बाद हम अपने पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, और प्रूनिंग करने से जो डेड लीव्स हैं और जो खराब पत्तियां वगैरह हैं, एक तो हम उन्हें हटा सकते हैं और इसके साथ साथ हमें कुछ नई कटिंग्स भी मिल जाती हैं, तो उन्हें भी हम बहुत अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं। पेंटास को प्रोपोगेट करना बहुत आसान है, एक सिंपल सा सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ है मैंने, वर्मी कम्पोस्ट, कोकोपीट और रिवर सैंड, 1/3, 1/3, 1/3, इन तीनों को मिलाकर ये एक सॉफ्ट सा मैंने मिक्सचर बनाया, और इस सॉफ्ट मिक्सचर में ही मैं इसमें कटिंग लगा दूंगी। प्रोपोगेशन के लिए आप ये 2-3 नॉड वाली एक कटिंग ले लें, और कटिंग लेने के बाद उसकी जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स है वो सब हटा दें, सिवाय 1-2 लीव्स रखें, बाकी सब हटा दें, और इसे आप किसी भी सॉफ्ट सॉइल मीडियम में आप लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही, क्योंकि बरसात के सीजन में रूटिंग हार्मोन वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, कटिंग आसानी से प्रोपोगेट हो जाती है। और क्योंकि ये कटिंग मैंने अभी अभी लगाई है तो मैं इसमें पानी पूरा भरपूर दूंगी, जिससे कि पानी अच्छे से नीचे ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए।
कटिंग को मैं सेमी शेड वाली जगह पर रख दूंगी और करीबन महीने भर में इसमें रूटिंग हो जाएगी। कई बार हम लोग ऐसे भी कटिंग लगा देते हैं, मैंने प्रूनिंग की थी और ये कटिंग निकली है, तो मैंने 15 दिन पहले इस गमले में इस कटिंग को लगा दिया था और आप देख सकते हैं ये कटिंग चल गई है। वैसे भी पेंटास को आप सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं और नर्सरी में भी इसके पौधे बड़े आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते में 40-50 रुपए करीबन में। किसी भी पौधे में मल्चिंग करना बहुत अच्छा रहता है और मल्चिंग करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि एक तो आपका मॉइस्चर जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वीट की ग्रोथ भी मल्चिंग की वजह से नहीं होती और धीरे धीरे ये डीकम्पोस्ट होके आपके पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो आप अपने कंटेनर में मल्चिंग जरूर कीजिएगा और मैं अपने कंटेनर में मल्चिंग करके रखती हूँ जो कि बहुत फायदेमंद है। पेंटास ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला पौधा है और इसके पौधे की बढ़ने की गति थोड़ी धीमी होती है, तो हम इसे आसानी से पॉट में भी लगा सकते हैं। और फूलों पर ये देखिएगा, क्लस्टर में इसके फूल खिलते हैं और 5 पत्ती के इसके लिए फूल होते हैं, तो इसीलिए हम इसे पेंटास भी कहते हैं। पेंटास के पौधे में ज्यादा फूल लेने के लिए आप इसकी डेड हेडिंग कीजिएगा। डेड हेडिंग का मतलब ये होता है कि जो फ्लावर स्पेंट हो गए हैं आप उन्हें निकाल दीजिएगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लावर उसमें मिलेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।